अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक दफ़ा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैं। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, चिल्ड्रन सर्जन। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर वालदैन आके हमारे साथ डिस्कस करते हैं और इसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अम्बिलिकल हर्निया, या सिंपल अल्फाज में आप कहें तो नाफ की जो स्वेलिंग हो जाती है बच्चे में, वो जिसको हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ये भी हर्निया की ही एक टाइप होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझें, जो नॉर्मल एक पैटर्न है उसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चे के सारे अज़ा बन रहे होते हैं, तो उन अज़ा के साथ आंतें जो हैं और जिगर और जो पेट के अंदर के जितने भी अज़ा हैं वो भी बन रहे होते हैं। आमतौर पर 6 से 10 हफ्ते के दरमियान में ये सारे अज़ा बन चुके होते हैं और आंतों का जो बनना है और उसके बाद जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है। पेट अभी पूरा नहीं बना होता, जिसकी वजह से आंतें जो होती हैं ये पेट के बाहर पड़ी होती हैं और वो जैसे जैसे पेट बनना मुकम्मल होता है और आंतें ये वापस आना शुरू होती हैं, और बच्चा जब डिलीवरी के करीब पहुंचता है तो उसकी सारी आंतें अंदर जा चुकी होती हैं। वो आंतें जो जहां से अंदर जाती हैं वहां पे एक ओपनिंग होती है, एक रिंग जैसी ओपनिंग होती है जो नाफ की जगह पे होती है, ठीक है, जिसको हम सिंपल रिंग कह सकते हैं। उस रिंग में से आंतें सारी की सारी वापस चली जाती हैं और वो रिंग तंग होता होता बिल्कुल नैरो रह जाता है। वो इतना नैरो रह जाता है कि उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो माँ से बच्चे में आ रही होती हैं या बच्चे से वापस जा रही होती हैं वो होती हैं, जिसमें खून की नालियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जो माँ से खून लेके आ रही होती हैं बच्चे में वो भी यहीं से गुजर रही होती हैं, और जो ख़राब खून है बच्चे का, जो वेन्स होती हैं, वो भी यहीं से लेके जा रही होती हैं, और जो बच्चे का यूरिन होता है, यूरिन भी यहीं से बाहर निकलता है, जिसको हम यूरेकस कहते हैं। तो ये आमतौर पे एक वेन होती है, 2 आर्टरीज होती हैं और 1 यूरेकस। तो ये 4 चीज़ें अम्बिलिकस में से गुजर रही होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब आप नाफ को, अम्बिलिकस को रिंग लगा के या किसी चीज़ से बांध के काटते हैं, तो उस वक्त ये 4 चीज़ें इसमें होती हैं, और जो वो नाफ का जो सुराख है वो बहुत तंग होता है, उसमें से कोई और चीज़ बाहर नहीं आ सकती। अगर किसी वजह से वो नाफ का जो रिंग है, जो सुराख है, वो खुला रह जाए, तो उसकी वजह से फिर जो पेट के अंदर की आंतें हैं वो वहाँ से बाहर आती हैं और वहाँ आपको एक सूजन सी, एक स्वेलिंग सी महसूस होती है, और जो भी कैविटी के अंदर से, एब्डोमेन के अंदर से चीज़ बाहर निकले कहीं और जगह से, उसको हम हर्निया कहते हैं। वो इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है, वो अम्बिलिकल हर्निया भी, या वो और बहुत सी टाइप्स हैं हर्निया की, वो भी हो सकते हैं। तो अम्बिलिकल हर्निया जो है उसकी जो मेन वजह है वो रिंग की ओपनिंग है। रिंग ओपन रहता है जिसकी वजह से आंतें जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर जिल्द का कवर होता है, जिल्द ऊपर होती है, तो बच्चा जब रोता है, जब जोर लगाता है, जब बच्चा पोटी करने लगता है, या किसी भी वजह से बच्चे के जब पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, तो वो नाफ से स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है और उसको हम कहते हैं कि ये हर्निया है और कंटेंट्स बाहर की तरफ आ रहे होती हैं, लेकिन वो स्किन कवर्ड होता है। तो इसके अलावा 2-3 और कंडीशंस भी होती हैं जो नाफ की जो बीमारियां हैं, जिनमें हर्निया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें एक होती है जिसको हम कहते हैं हर्निया ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो अम्बिलिकस है, जो एक झिल्ली सी होती है, उसके अंदर आंतें आई होती हैं, उसको हम हर्निया ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो नाफ है वो सही तरह से बनी ही नहीं होती और वो बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है और तकरीबन सारी आंतें और जो जिगर है वो उसके अंदर आया होता है और वो एक छोटी सी झिल्ली के साथ कवर होता है, इसको हम अम्फाइलोसील का नाम देते हैं। तो ये अम्फाइलोसील हो या हर्निया ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड हो, ये तो फौरन पैदाइश के वक्त ही पता चल जाती हैं और बच्चे जो हैं वो लेके डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में वालदैन चले जाते हैं। जो अम्बिलिकल हर्निया है ये आमतौर पर पैदाइश पे नहीं होता, ये पैदाइश के कुछ हफ्तों के बाद जाहिर होता है। बाज जो स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, वो ये भी कहती हैं कि 6 महीने की उम्र तक भी ये अम्बिलिकल हर्निया जाहिर हो सकता है। तो 6 महीने तक आप कह सकते हैं कि किसी भी टाइम में ये स्वेलिंग जाहिर हो जाती है। अब इसका जो मुमकिन इलाज है वो क्या है? देखिए, अम्बिलिकल हर्निया हम आम तौर पे कहते हैं कि इसकी जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन है, वो स्टार्ट में कोई भी सर्जन, डॉक्टर एडवाइज़ नहीं करता। इसको सबसे पहले तो एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है। चेक करने का मकसद ये होता है कि इसमें से देखना होता है कि जो रिंग है, जो ओपन है, उसका साइज कितना है। अगर 1 सेंटीमीटर से साइज कम हो
तो उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो उम्र के साथ, एज के साथ साथ जैसा बच्चा ग्रो करता है, वो रिंग जो है वो नैरो होना शुरू हो जाता है, और ऐसा ऐसा नैरो होता होता वो बंद हो जाता है, 1 से 2 साल की उम्र में ये बंद हो जाता है। और अगर जो रिंग है, जो ओपनिंग है, उसका साइज 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो ये थोड़ा सा देर से बंद होता है। और अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ हो, तो ज़ाहिर है जितना बड़ा साइज़ होता है उतना जो उसके बंद होने की जो टाइम है वो ज़्यादा होता है। कुछ लोग सर्जन्स ये कहते हैं कि 2 से 3 साल तक आप इंतज़ार करें, ये रिंग बंद हो जाएगा। और जो मगरबी दुनिया है, वहाँ पे लोग ज़्यादा सर्जरी से अवॉइड करते हैं इस सर्जरी से, और वो कहते हैं कि 5 साल तक इंतज़ार करने से ये बंद हो जाता है। अब ये है कि इसकी परेशानी क्या होती है वालिदैन को। अमूमन देखें, मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने जो पेट की गैस और दर्द और बच्चे की तकलीफ के बारे में बताई थी, वो प्रॉब्लम आमतौर पे बच्चे को 3 से 4 महीने की उम्र तक रहता है। अब बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ दिनों के बाद अम्बिलिकस की स्वेलिंग जाहिर होना शुरू हो गई, अम्बिलिकल हर्निया जाहिर होना शुरू हो गया, और वो बच्चा किसी वजह से रो रहा है, वो दर्द की वजह से रो रहा है, वो भूख की वजह से रो रहा है, पेट में गैस की वजह से रो रहा है। जब बच्चा रोता है तो ये स्वेलिंग बढ़ जाती है, और पेरेंट्स को ये लगता है कि ये इस हर्निया की वजह से बच्चा रो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और वो बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और उनको यही टेंशन होती है कि ये यही स्वेलिंग है जो हर चीज़ की वजह है। ऐसा नहीं होता, बच्चे के रोने की और वजूहत होती हैं। इस स्वेलिंग में दर्द नहीं होती, ये एक ओपनिंग है, एक सुराख है जो पट्टों के दरमियान रह गया है, और उस सुराख में से जब बच्चा जोर लगाएगा, आंतें उसके अंदर आ जाती हैं। आंतों में अमूमन गैस होती है, आप हाथ से प्रेस करते हैं तो वो गैस का जो गर्गल होता है, जो आवाज़ आती है, वो भी आती है आपको। तो पहली बात समझने की यह है कि इसकी वजह से दर्द नहीं होता, इसीलिए दर्द की और वजूहत हो सकती हैं बच्चे में, उनको देखना है। इसको आपने टारगेट नहीं करना कि बस यही है, यही काज ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट है बच्चे के लिए। पहला तो ये समझने का पॉइंट है। दूसरा, हमारी सोसाइटी में जो हमारी घरों में बुजुर्ग होते हैं, नानियाँ दादियाँ होती हैं, वो अक्सर आपको जो माएँ हैं उनको कहती हैं कि इसके ऊपर सिक्का रख के, कोई कॉइन रख के तो टेप लगा दें या पट्टी बांध दें। देखें, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है, कॉइन रखना, पट्टी बांधना, टेप लगाना या जो भी इस तरह के काम करना। इसका फायदा कोई भी नहीं होता। जो ओपनिंग है वो मसल्स की है, पट्टों की है, वो स्किन के अंदर है। आप जो कॉइन रख रहे हैं वो ऊपर रख रहे हैं, इसका उसके ठीक होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं जी हम कॉइन रखते रहे थे, 6 महीने में ये ठीक हो गया था। आप कॉइन ना भी रखें तो भी ये 6 महीने या साल या किसी भी एज पे जाके ये ठीक हो जाता है। कॉइन रखने का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो सिक्का है वो रगड़ उस जिल्द के ऊपर करता रहता है, फ्रिक्शन होती है, रगड़ कर करके जख्म बन जाता है। अगर जिल्द का ऊपर जख्म बन जाए, जिल्द फट जाए वहां से, तो जो आंतें आपकी जिल्द ने रोकी हुई होती हैं, वो आंतें बाहर आ जाती हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आंतें बाहर आ जाएं तो फिर फौरन एमरजेंसी में उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए ये पॉइंट नोट करने का है। दूसरा, पहला तो पेन नहीं होता इसकी वजह से, दूसरा इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना, पट्टी नहीं बांधनी, सिक्का नहीं रखना, टेप नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना, ये अपने टाइम के साथ बंद हो जाएगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है दर्द या तकलीफ के साथ। चौथा, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इसकी अगर सर्जरी करनी पड़ती है तो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें सर्जरी करनी पड़ जाती है। बार दफा देखिए, मैंने जैसे बताया इसमें आंतें आती हैं, आंतें अगर आ जाएं, जो ज्यादा आ जाएं, बच्चा बहुत ज्यादा रोया हो, बार दफा ज्यादा रोता है बच्चा, आंतें आ जाती हैं और वो फंस जाती हैं। अगर आंतें आके अंदर इसमें फंस जाएं और वो वापस ना जाए, जब आंत फंस जाती है, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड अम्बिलिकल हर्निया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, रुकावट आ गई है आंतों में, आंतें आके फंस जाएंगी, वापस नहीं जाएंगी। जब आंतें फंसेंगी, उनकी खून की सप्लाई वहां पे रुक जाएगी, पखाना बच्चे का जो है वो आगे नहीं जाएगा, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, बच्चा उल्टियां करना शुरू कर देगा, पेट फूलना शुरू हो जाएगा, और ये भी एक तरह से इमरजेंसी हो जाती है, इसको भी फिर इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऑपरेट करने की जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही दो हैं, या तो ऊपर से जिल्द फट जाए उसको ऑपरेट करना पड़ता है, या इसमें आंतें आके फंस जाएं, उनके खून की सप्लाई रुक जाए। बाज़ दफ़ा आंतें फंस जाती हैं, ज़्यादा टाइम लग जाए तो वहाँ पे फट भी जाती हैं आंत, क्योंकि खून की सप्लाई रुकी हुई है, उसमें जो गैस है और जो पखाना है वो आंतों में मौजूद है, और वो उसकी वजह से, रुकावट की वजह से आंतें फट सकती हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं जहाँ पे हम सर्जरी करते हैं इनकी, अदरवाइज इनकी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो फंसना है आंतों का, ये भी बहुत बहुत रेयर होता है, ये कोई इतना कॉमन नहीं है, इसलिए
अगर किसी बच्चे को है ये हर्निया तो आपने ये इस डर से नहीं ऑपरेट करवा लेना कि कभी आंते फंस जाएंगी, ये बहुत रेयर होता है, रूटीन में ऐसा नहीं होता, रूटीन में बच्चे ये नॉर्मल रहते हैं। इसके अलावा कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ती है? उसके अलावा जो सबसे फोर्सफुल कंडीशन होती है वो वालिदैन की ख्वाहिश होती है, वो बार बार आते रहते हैं, हम चूंकि सर्जन हैं डेली रूटीन है हमारी डील करते हैं, वो बार बार आके यही कहते हैं कि इसको ऑपरेट कर दें, ये बच्चे को तकलीफ दे रहा है, बच्चा हमारा बढ़ नहीं रहा, बच्चा हमारा दूध नहीं पीता, बच्चे के पेट में दर्द होती है, और मल्टीपल बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होती है वालिदैन इसी के साथ उसको रिलेट करते हैं कि जी इसी वजह से हो रही है। तो वालिदैन की ख्वाहिश पे भी सर्जरी कर दी जाती है आमतौर पर। ये जो स्टडीज़ हुई हैं हमारे यहाँ कम होती है रिसर्च, बाहर की दुनिया में ज़्यादा होती है, तो यूरोपियन अमेरिकन और इंग्लैंड के लोग स्टडीज़ करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो वालिदैन की ख्वाहिश है उस पे आमतौर पे एक साल से दो साल के दरमियान में सर्जरी कर देनी चाहिए, और कर भी रहे हैं, सर्जरीज कर देते हैं। जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, अफोर्डेबिलिटी के इशूज होते हैं, तो हमारे यहाँ सर्जरीज आमतौर पर नहीं होती हैं या फिर लेट होती हैं जाके। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो लोग जल्दी सर्जरी इसकी कर देते हैं ऑन जो पेरेंट्स की ख्वाहिश है उसके ऊपर। इसके अलावा जो है वो कोई ख़ास इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ये मरीज़ भी आ रहे थे और फेसबुक पे, और मेरे से बार बार लोग यही पूछ रहे थे तस्वीरें भेज के कि हमारे बच्चे को ये मसला है। तो आखिरी में सिर्फ यही कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को अम्बिलिकल हर्निया है तो उसको आप डिजीज़ ना समझें, वो एक पार्ट है उसका, वो एज के साथ साथ ठीक हो जाएगा। नंबर टू, उसके ऊपर कोई सिक्का ना रखें, कोई टेप ना लगाएं, कोई पट्टी ना बांधें। नंबर थ्री, इसमें ना दर्द होती है, ना तकलीफ होती है, और ना बच्चा इसकी वजह से रोता है, बच्चे के रोने की वजह से ये फूलता है, और जब बच्चा रिलैक्स होकर चुप हो जाता है तो इसकी जो फूला होता है वो ख़त्म हो जाता है। नंबर चार, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, कोई फंस जाता है, रेड हो जाता है, बच्चे को उल्टियां और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो फिर फौरन डॉक्टर से रुजू करें और इसका मुकम्मल इलाज करवाएं। तो आखिर में मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आपका कोई सवाल हो तो इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।